ट्यूनी और बुज्जी एक ही घर में एक साथ आराम से रहती थी। ट्यूनी तरह तरह की पेस्ट्री बनाकर बाजार में बेचा करती थी। हालांकि ट्यूनी की बेटी बुज्जी को खाने का बहुत शौक है। कोई भी खाना हो वह कुछ ही सेकंड में खत्म कर देती है। बुज्जी ट्यूनी की जानकारी के बिना ही बेचा हुआ खाना खा लेती थी। ट्यूनी एक तरफ से खाना बनाती और बुज्जी सेकंडों में सारा खाना खत्म कर देती, जिससे ट्यूनी को बहुत गुस्सा आती थी। वह बुज्जी को लेकर बहुत ही परेशानी में थी। अरे छोटू, क्या बात है, और तुम ये कप में क्या लेकर आई हो? देखो ट्यूनी, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बना के लाई हूँ। अरे छोटू, ये सब की क्या जरूरत है, मैं खुद भी चाय बना सकती हूँ। तुम खामखा मेरे लिए इतना परेशान होती हो। हाँ, मैं तो जानती हूँ तुम चाय बना सकती हो, और वो भी मुझसे बेहतर ही बनाओगी। असल में मैंने देखा कि तुम्हारे रसोई की लाइट जल रही थी, तो मैंने सोचा कि तुम रात भर जाग के जरूर खाना बनाती होगी, इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा चाय बनाकर लेके जाऊं। इतना ही? हाँ छोटू, मैं तो माही चील के द्वारा दिए गए ऑर्डर का ही भोजन बना रही थी, और खाना बनाते समय वास्तव में कब रात बीत गई पता ही नहीं चला। मैं तो जानती हूँ तुम रात भर जाग कर खाना बना के बहुत ही थक गई होगी, इसीलिए तो मैं सुबह उठकर सबसे पहले तुम्हारे लिए चाय बनाकर लेकर आई हूँ। अब जल्दी से इसे पी लो। और इस तरह टुनी और छोटू तोता दोनों चाय पीते हुए बातें कर रहे हैं। अच्छा टूनी, बुज्जी क्या अब पहले की तरह ज्यादा खाना खाती है? अरे छोटू, क्या बताऊं, अब तो पहले से ज्यादा खाना खाती है, कुछ भी कम नहीं हुआ। पता नहीं उसकी ये आदत कब जाएगी। अच्छा टूनी, क्या आपके कोई रिश्तेदार को ऐसी आदत है क्या? मैंने सुना है कि घर में किसी का अगर ऐसी आदत हो तो वो आदत बच्चों में भी आ जाती है। नहीं छोटू, मेरे रिश्तेदारों में किसी को भी ऐसी आदत नहीं है, और तुम्हें तो पता है कि बुज्जी के पापा भी बहुत ही कम खाते थे, और मैं भी तो खाना कम खाती हूँ, और अब तो बुज्जी के पिता के मृत्यु के बाद मैं तो खाना और भी कम खाती हूँ। मुझे तो समझ में नहीं आता कि बुज्जी को ऐसी आदत कैसी लगी। टुनी और छोटू इसी तरह बात करते हैं। वे दोनों चाय पीते हैं और फिर छोटू अपने घर चले जाते हैं। टुनी माही चिल के घर जाने के लिए तैयार हो रही थी। वह तैयार होकर रसोई में आती है। रसोई में जो खाद्य सामग्री होनी चाहिए वह गायब है। अरे, मैंने रसोई में जो खाना रखी थी वो खाना कहाँ गया? लगता है उन्हें मैं कहीं और रखी हूँ, जाके देखती हूँ। इतना कहकर टुनी पूरे घर में माही चिल के केक ढूंढ रही थी, तो वह खोजते हुए अपनी बेटी के कमरे में जाती है। बुज्जी अपने बिस्तर पर बैठकर एक एक करके उन केक को खा रही थी, जिन्हें टुनी ने पूरी रात कड़ी मेहनत से तैयार की थी। अरे बल्ले बल्ले, यह केक तो बहुत ही स्वादिष्ट है। सच में मेरी माँ के हाथ में जादू है, लाजवाब प्रेस्टी है, मजा आ गया खाने में। इतना स्वादिष्ट खाना है कि मन कर रही है कि खाते ही जाओ खाते ही जाओ। बुज्जी इस तरह मजा लेते हुए माँ के हाथ का बना सारा खाना खा लेती है। अरे बुज्जी, तुम क्या पागल हो गई हो? मैं पूरी रात जाग कर ये सब खाना बनाई थी, और तुम ये सब खाना खा रही हो, इसे रखो। अरे माँ, अपने पूरी रात बैठ कर इसे बनाया हो या पूरे दिन बैठकर इसे बनाया हो, आखिर में इन्हें खाना ही तो है ना? इसलिए मैं ऐसे आराम से खा रही हूँ। वैसे भी आपके बनाए ये केक बहुत ही स्वादिष्ट है। माँ सच कहूँ तो आपके हाथ में जादू है। अरे बेटा, ये तो माही चील के द्वारा दिया गया ऑर्डर का खाना है। आज उनके घर पे रात में फंक्शन है, इसीलिए ये सब बनाई थी। अब मैं क्या करूँ? इतना कहकर टुनी ने बुज्जी के पास जाती है और उससे खाने का सामान छीन लेती है। अरे बुज्जी, तुमने तो आधी से ज्यादा मिठाई खा ली। अरे माँ, कैंडी वाला पेस्ट्री का आधा हिस्सा है ना, वह वाला तो मुझे खाने दो, मेरा पेट तो अभी भरी नहीं है, मैं अभी भी भूखी हूँ। इतना कहकर बुज्जी स्कूल बैग लेकर स्कूल के लिए निकल जाती है। टुनी उदास हो जाती है और फिर से खाना बनाना शुरू कर देती है। अरे टुनी, तुम अब तक क्या कर रही हो, माही चिल के घर नहीं गई? अरे छोटू, क्या बताऊं, इतनी मेहनत करके खाना बनाई, बुज्जी सब कुछ खा गई, इसीलिए फिर से बना रही हूँ। अरे टूनी, तुम ये सब क्या बोल रही हो, अब तुम क्या करोगी? तुम्हारे पास तो ज्यादा टाइम भी नहीं है। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। चलो जल्दी से खाना बना के माही चील को जाकर देकर आते हैं। यह बात कहकर छोटू तोता टुनी के साथ मिलकर माही चील के लिए विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ और मिठाइयाँ तैयार करते हैं। छोटू, तुम्हें बहुत धन्यवाद,
तुम आज समय पर आके मेरी बहुत मदद की। चलो अब हम दोनों मिलकर जाके माही चील को सब भोजन देकर आते हैं, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। नहीं टूने, मैं नहीं जा सकती, घर पे बहुत काम है, खाना भी बनानी है। तुम जाके माही चील को भोजन देकर आओ, मैं जाती हूँ। इतना कहने के बाद छोटू तोता उसके घर जाकर खाना बनाने लगती है। दूसरी ओर टूनी अपने द्वारा तैयार किए गए केक के साथ माही चिल्ल के घर जाती है। अरे टूनी, तुम आ गई, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। घर पे सब मेहमान भी आ गया है, तुम भी आओ, हमारे फंक्शन में शामिल हो जाओ। नहीं माही चिल, घर पे बहुत काम है, मैं तो ये सब भोजन देने के लिए यहाँ आई थी। तो टुनी माही चील को पेस्ट्री देती है, फिर माही ने टुनी को पेस्ट्री के पैसे देती है। टुनी आराम से उन पैसों को लेकर घर आती है और फिर मन ही मन में यही सोचती है, मैंने तो सोची थी कि समय पे आज माही चील को उनके ऑर्डर नहीं दे पाऊंगी, लेकिन समय पर छोटू ने आके मेरी बहुत मदद की है। आज केवल छोटू के कारण ही ये ऑर्डर मैं पूरी कर पाई हूँ। छोटू आज मेरे साथ बहुत मेहनत की, मुझे भी तो कुछ करनी होगी। एक काम करती हूँ, घर पे जितनी मिठाई है बन्नू को जाके देती हूँ, वो भी खुश हो जाएगी। ऐसा सोचते हुए टुनी घर के अंदर चली जाती है। बुज्जी बाकी बर्तन अपने सामने रख कर आराम से बाकी मिठाइयाँ और पेस्ट्री खा रही थी। जब टुनी घर के अंदर जाती है तो केवल एक ही मिठाई का टुकड़ा पड़ी हुई थी। अरे पुज्जी, तुमने ये सब क्या किया? मैंने तो ये सारी मिठाई छोटू की बेटी बन्नू के लिए छुपा के रखी थी, और अब तो तुम ये सब भी खा ली, अब मैं क्या करूं? इसी बीच बन्नू चिड़िया टुनी गौरैया के घर के अंदर आती है और ये पूछती है, टूनी मासी, माँ ने कहा कि आपने कुछ मिठाई बनाई है, दीजिए ना, माँ ने कहा जाकर लेकर आओ। अरे छोटू, मुझे माफ कर दो, मैं माही चील के घर से वापस आकर देखी, बुज्जी ने सारा मिठाई खा ली। ओए माँ, बुज्जी तुम अकेले इतनी मिठाई कैसे खा सकती हो? अच्छा बुज्जी, तुम तो स्कूल में मेरे लंच बॉक्स, चिन्नू काकी के लंच बॉक्स भी खा लेती हो, तुम तो इतने सारे खाना खाती हो, फिर भी तुम्हारे पेट इतनी पतली क्यों है? फिर बन्नू तोता ऐसा कहता है और वहाँ से चला जाता है। बुज्जी भी बन्नू तोते के साथ खेलने चले जाती है। देखो टूनी, बुरा मत मानना, कभी कभी बच्चे ऐसे करते हैं। देखो ना छोटू, मैं मिठाई बेचने के लिए बनाती हूँ और बुज्जी सब खा लेती है, मैं कैसे बेचूं बताओ तो? अरे टूनी चिंता मत करो, मेरे पास एक विचार आया है, चलो कुछ करते हैं। देखो बुज्जी तो रात में सोती है, तुम उसी समय उठकर सभी भोजन तैयार कर लोगी, और बुज्जी उठने से पहले सुबह उठकर सबको जाके मिठाई दे दोगी। अरे छोटू, तुमने तो ये बहुत अच्छा आइडिया दिया है, अब से मैं ऐसे ही करूँगी। मिमी कौआ ने भी मुझे कुछ ऑर्डर दिया है, जल्दी से सब कुछ कर लूँगी। छोटू तोते द्वारा दिया गया ऐसा आइडिया टूनी गौरैया को बहुत पसंद आती है। उस रात टूनी गौरैया और बुज्जी गौरैया एक साथ खाना खाती है, फिर एक साथ सो जाती है। जब बुज्जी पूरी तरह सो जाती है, बुज्जी के सोने के बाद टूनी उठ जाती है। ये बुज्जी पूरी तरह से सो चुकी है, अब मैं जाके अपना काम करती हूँ, यही अच्छा समय है। इसलिए टूनी गौरैया रात में रसोई घर में जाती है और पेस्ट्री बनाने लगती है। दूसरी ओर बुज्जी गहरी नींद में सो रही थी, तो टुनी पूरी रात बैठकर चीचू कौवा के कहे अनुसार सारा खाना बना लेती है। मैं रात की 11 बजे से खाना बनाना शुरू करी थी और अभी तो सुबह के 5 बज चुके हैं, बुज्जी अभी तक सोकर नहीं उठी है, अब ये सब मिठाई जल्दी से पैक कर लेती हूँ। तो टुनी गौरैया पूरी रात तैयार किया गया खाना एक बैग में रखती है और चीचू कौवा के घर जाती है। अरे टूनी, तुम इतने सुबह घर क्यों आ गई? असल में चीचू, सारे मिठाइयाँ तैयार हो गई थी तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपको डिलीवरी कर दूं, इसीलिए सुबह जल्दी आ गई। सुबह तक मेरा सब मिठाई बन चुकी थी, इसीलिए मैंने सोचा कि जाके तुम्हें देकर आती हूँ। इस प्रकार टुनी चीचू कौवे के लिए भोजन समय पर डिलीवरी कर देती है। उसके बाद चीचू कौवे से टुनी पैसा लेती है, फिर टुनी बहुत खुशी से तोते के पास जाती है और यह बात कहती है, छोटू तुमने बहुत अच्छा आइडिया दिया है, जब तक बुज्जी सो कर थी मैं सारी मिठाई बना चुकी थी और जाके ऑर्डर भी डिलीवरी कर दी है,
अरे वाह टूनी, तुमने तो बहुत अच्छे काम की है, मैं बहुत खुश हूँ। हर दिन तुम ऐसे ही काम करना। तो उस दिन से टूनी ने हर दिन आधी रात को खाना बनाना शुरू कर दिया। खाना तैयार होने के बाद हर सुबह सभी कस्टमर का ऑर्डर सही समय पर डिलीवरी कर देता था। वह आधी रात को खाना बनाकर अच्छा पैसा कमा लेती थी। टूनी का घर बाढ़ के पानी से भर चुका था। अपनी नन्ही सी बेटी को पास लिए लकड़ी के चकले पर खड़ी होकर वो मदद की गुहार लगा रही थी। कोई हमारी मदद कर दो, हम यहाँ पानी में फंसे हुए हैं। कृपया हमारी कोई मदद कर दो, कोई हमारी सहायता कर दो। यूं खिड़की से बाहर आवाज लगाती हुई वो चिल्ला रही थी, पर खिड़की के उस पार कोई नहीं था। उनकी सहायता के लिए कोई नहीं आया। आखिरकार धीरे धीरे उड़ती हुई टूनी ने पानी में बहते हुए कुछ सामानों को इकट्ठा किया और जहाँ पर वो तैर रहे थे उसी पर चूल्हा जलाकर वो खाना बनाने लगी। माँ, हमें इस तरह और कितने दिन रहना है? मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। बेटा, हमारी मदद के लिए कोई ना कोई जरूर आएगा, हम यहाँ से जरूर बाहर निकल पाएंगे। यूं अपनी बेटी को हिम्मत देने लगी। इतने में जिस लकड़ी के चकले पर वो खाना बना रही थी चूल्हे की आग उसमें लगकर वो जलने लगा। जैसे ही टूनी ने ये देखा वो तुरंत अपनी बेटी को लिए वहाँ से उड़ती हुई ऊंची जगह पर बैठ गई। हे भगवान, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, ये मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। यूं बहुत घबराते हुए उसने कहा। कुछ समय बाद आग बुझ गई। वे दोनों वहीं पर बैठे रहे, उन्हें बाहर जाने का कोई मौका नहीं मिल रहा था। डर डर कर वे दोनों वहीं पर रुक गए। बेटी भूख को सहन नहीं कर पा रही थी। माँ, बहुत भूख लगी है माँ, माँ बहुत भूख लगी है। पर बेचारी माँ कुछ नहीं कर पा रही थी। इतने में बाहर नाव में सवार लूसी कबूतर आवाज देने लगी। यहाँ कोई है? कोई है यहाँ पर? कोई है? यूं वो आवाज देने लगी। जैसे ही टूनी ने उसकी आवाज सुनी, दोस्त, हम यहाँ हैं, हम यहाँ बुरी तरह से फंसे हैं, हमारी मदद कर दो। हाँ हाँ, बाहर आ जाओ जल्दी से, मैं तुम्हें सुरक्षित जगह लेकर चलूंगी। टूनी तुरंत अपनी बेटी को लिए लूसी के नाव में सवार हो गई। वे तीनों नाव में सफर करते हुए आगे बढ़े। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक गुफा दिखाई दी। उस गुफा में बिल्कुल पानी नहीं था। उन तीनों को ये देख आश्चर्य हुआ। ये क्या, चारों ओर इतना पानी और इस गुफा में एक बूंद पानी नहीं। वे तीनों ये देखकर चौंक गए थे। उन्होंने अपनी नाव को गुफा की ओर बढ़ाया। वहां पहुंचकर वे तीनों गुफा के अंदर गए। वहां खाने पीने का सारा सामान था। वे आपस में आश्चर्यचकित होकर बात करने लगे। टूनी, यहाँ पर तो जरूरत का हर सामान है, लगता है यहाँ कोई रहता है। वैसे इस बात का अचरज हो रहा है कि पानी यहाँ पर कैसे नहीं आया। मेरी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा, जब चारों ओर इतना पानी है यहाँ एक बूंद पानी भी कैसे नहीं, और यहाँ इतना सारा सामान भी है। इतने में एक स्वामी कौवा वहाँ पर आए। उन्होंने इन सब को देखकर कहा, मैं जानता हूँ कि बाहर की परिस्थितियाँ बहुत विषम है, किसको किस समय कहाँ जाना है ये भगवान ने पहले से ही लिखा है। तुम्हारा यहाँ से सहायता पाना लिखा था, इसलिए तुम सब यहाँ हो। तुम्हारी तरह किसी और को भी मेरी सहायता पानी होगी तो वो यहाँ आएगा। यूं उस स्वामी जी ने बताया, तुम सब यहाँ जितने दिन चाहे रह सकते हो, यहाँ तुम्हारी जरूरत की हर सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बरसात का कोई असर नहीं होता, आवश्यकता अनुसार हवा और रोशनी यहाँ हमेशा रहती है, बस यही रहते हैं। स्वामी जी की बातें सुन सभी बहुत खुश हो गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, सच भगवान ने ही आपको हमारी मदद के लिए भेजा है। उस दिन से वे तीनों वहीं पर रहने लगे और साथ ही साथ वो बाहर निकलकर देखा करते कि किसी को उनकी मदद की जरूरत हो। अगर शाम ढलने तक तो उस दिन कोई नहीं आया। दो दिन यूं ही बीत जाते हैं। तीसरे दिन छोटू तोता और चील लकड़ी के तने पर खड़े होकर, भूख भूख लगी है, कोई हमारी सहायता कर दो, हमें भूख लगी है। यूं जोर जोर से मदद की गुहार लगाती हुई छोटू को अंदर रहे पक्षियों ने सुन लिया। वे तुरंत बाहर निकले। दोस्तों, इस तरफ आ जाओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे, आ जाओ। तोता और चील मदद पाने के लिए तुरंत उनके पास आए। टूनी उन दोनों को अंदर ले आई। उन सभी ने पेट भर खाना खाया।
उसके बाद वे सभी आपस में बैठकर उनके साथ हुए बुरे हादसों के बारे में बात करने लगे। लेकिन ऐसी विषम परिस्थितियों में भी स्वामी जी की मदद से उन सभी की जान बच गई, इसका आभार मानते हुए, स्वामी जी आपने सच में भगवान की तरह हमारी सहायता की है। अगर हम यहाँ न पहुँचते तो जिंदा नहीं रह पाते। आपका बहुत बहुत आभार स्वामी जी। कर्म के सिद्धांत को अच्छे से ज्ञात रखना। तुम किसी की मदद करोगे तो तुम्हारी मदद के लिए कोई जरूर आएगा। अगर तुमने बुरा किया तो वो पलट कर तुम्हारे पास ही आएगा। यही कर्म का सिद्धांत है। यूं सभी को उन्होंने ज्ञान की बात बताई। यूं ही दिन बीत रहे थे। वे वहीं पर साथ में मिलजुल कर खुशी से रहने लगे थे। कुछ एक महीने के समय के बाद पानी सूख चुका था, फिर भी उनमें से कोई भी उस जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। उन सभी ने उसी गुफा में अपने अपने छोटे से घर बना लिए। वे सभी वहीं पर साथ में रहते हुए जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की सहायता करते हुए खुशी से अपना जीवन बिताने लगे।